आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी, लेट ए बिलोंग टू द ग्रुप, ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है एंड ए रेज टू पावर 12 जो है वो आइडेंटिटी है, ए की पावर 12 जो है वो आइडेंटिटी आ जाती है। एक्सप्रेस करना है हमने इनवर्सेस ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स। ये हमें ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स के हमने इनवर्सेस को एक्सप्रेस करना है जी। किसमें एक्सप्रेस करना है? इन द फॉर्म ए रेज टू पावर के, ए की पावर के की फॉर्म में, वेयर के इज फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, के आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपने क्या करना है, ये है आपके पास ए की पावर 12 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए ये जो कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं ग्रुप के, इन एलिमेंट्स के इनवर्सेस बनाने हैं। और वो इनवर्सेस कैसे होनी चाहिए, उसने कहा है जी वो ए की कुछ पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट है जी ए, और वहां क्या है जी, ए की पावर 12 आइडेंटिटी है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है ए रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मुझे क्या ढूंढना है, एक एलिमेंट ए का इनवर्स ढूंढना है, ए की पावर 1 का इनवर्स, यानी ए का इनवर्स ढूंढना है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए डॉट ए रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू ई, ए की पावर 12 को हम ए इंटू ए की पावर 11 लिख सकते हैं। अब दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, ए भी ग्रुप का एलिमेंट है, ए की पावर 11 भी ग्रुप का ही एलिमेंट है। दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया है आपने, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस ही हैं। मैं ये कह सकता हूं ए ए की पावर 11 का इनवर्स है, मैं ये भी कह सकता हूं कि ए की पावर 11 का इनवर्स ए है। लेकिन हमने यहां पे ए का इनवर्स देखना है, हमने ए की पावर 11 का इनवर्स नहीं देखना। तो ए का इनवर्स यानी फिर क्या होगा, यहां से हम क्या बात कह सकते हैं कि ए का इनवर्स क्या होगा, ए रेज टू पावर 11। दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है। तो यही डेफिनेशन थी इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए की, कि अगर आपको, अगर कोई ए जी का एलिमेंट है और एक एलिमेंट बी जी में से मिल जाए के उनका प्रोडक्ट ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस कहलाते हैं। अब यहां पे मैंने सिर्फ एक साइड से कहा हुआ है, तो आप यहां से दूसरी साइड से भी कह सकते हैं, यानी आप ए की पावर 11 डॉट ए भी लिख सकते हैं, तब भी ए की बात है। सो ए का इनवर्स यहां से क्या निकला, ए की पावर 11। तो आपने ए के इनवर्स को एक्सप्रेस कर लिया ए की किसी पॉजिटिव इंटीजर पावर। नेक्स्ट यहां देखें, ए की पावर 6 है, आपके पास गिवन क्या है, ए की पावर 12 है। तो ए की पावर 12 को आप ब्रेक कर सकते हैं, यहां से मैंने देखना है ए की पावर 6 डॉट ए की पावर 6 इज इक्वल टू ई। आप देख सकते हैं ए की पावर 12 आइडेंटिटी होने का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं ए की पावर 6 डॉट ए की पावर 6 इज इक्वल टू ई। तो दो एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, ए की पावर 6 का जो इनवर्स है वो क्या होगा जी, ए रेज टू पावर 6 ही होगा, ये एलिमेंट अपना ही इनवर्स। नेक्स्ट देखिए जी, ए की पावर 8 का इनवर्स ढूंढना है। तो ए की पावर 12 चूंकि आइडेंटिटी है, तो क्या लग रहा है, अगर ए की पावर 12 आइडेंटिटी है, ए की पावर 8 का इनवर्स ढूंढना है, तो क्या ख्याल है, ए की पावर 4 नहीं होगा, क्योंकि पावर ए 8 का इनवर्स ढूंढना है, तो ये कितनी पावर और ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी बन जाए, तो 4 पावर ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे आप यहां देख रहे थे कि ए का इनवर्स क्या था, ए की पावर 1 का इनवर्स क्या था, ए की पावर 11। तो ए में ए की जो पावर थी 1, उसमें आपने कितनी पावरें ऐड की, 11, तब ए की पावर 12 यानी आइडेंटिटी बना। तो अब ए की पावर 12 अगर आइडेंटिटी है, तो ए की पावर 8 का इनवर्स क्या होना चाहिए, पावर ए की पावर 4। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 4 डॉट ए की पावर 8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका क्या मतलब है फिर, ए की पावर 8 का इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा जी, ए की पावर 4। नेक्स्ट देखिए जी, ए की पावर 11, इसका इनवर्स देखना है। तो हम इसी से देख सकते हैं, ए की पावर 11 आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब यह है, चूंकि ए की पावर 12, ए की पावर 11 का इनवर्स ढूंढना है और गिवन ए की पावर 12 आइडेंटिटी है, तो कितनी पावर कम है जी, ए की पावर 11 है जिसका इनवर्स ढूंढना है, और ए की पावर 12 लेने से आइडेंटिटी आ जाता है, पावर ए की कम है, इसका मतलब होगा फिर ए की पावर 11 का इनवर्स ए ही है। आप यहां से भी देख सकते हैं, ए डॉट ए की पावर 11 आइडेंटिटी है, इसका क्या मतलब है, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस हैं।
तो अगर a का इनवर्स a की पावर 11 है तो इसका मतलब ये भी है कि a की पावर 11 का इनवर्स क्या होगा, a होगा। एज a डॉट a रेज टू पावर 11 आइडेंटिटी है तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि a की पावर 11 का इनवर्स क्या होगा जी, a होगा। ये आपने जो गिवन रिलेशन था उसको यूज करते हुए ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स के इनवर्सेस ढूंढे, और उसने साथ में कहा भी हुआ था कि आपने इनवर्सेस को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, a की पावर k की फॉर्म में, k क्या हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। तो आप देख सकते हैं a का इनवर्स ढूंढा हमने तो वो a की पावर 11 मिला, a की पावर में एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, a की पावर 6 का इनवर्स a की पावर 6, a की पावर 8 का इनवर्स a रेज टू पावर 4 एंड a रेज टू पावर 11 का इनवर्स क्या आ गया, a की पावर 1। ये a की पावर 1 है यानी हम सिंपली इसको a ही लिखते होते हैं। यहां देखिए जी एक खास बात नोट करने वाली कि उसने कहा था जी इन एलिमेंट्स के जो इनवर्सेस आपने ढूंढने हैं वो a की कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर में होने चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दफा ही ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी एलिमेंट का इनवर्स, किसी एलिमेंट a की किसी पावर का जो इनवर्स है वो अगेन a की कोई नेगेटिव पावर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जी पॉजिटिव ही है। जैसे a की पावर 6 का इनवर्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a की पावर माइनस, जैसे ये देखे ना हम इस एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर माइनस 6, ये a की पावर 6 का इनवर्स, या a की पावर माइनस 6 का इनवर्स a की पावर 6 है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो एलिमेंट्स के इनवर्सेज हैं वो किसी एलिमेंट a की नेगेटिव पावर्स में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं जी। यू ऑफ 9 ग्रुप है, इसमें आपने इनवर्स फाइंड करने हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए 2, 7 एंड 8 के आपने इनवर्सेस फाइंड करने। सबसे पहले तो हम यू ऑफ 9 को लिख लेते हैं उसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं ताकि हमारे लिए एलिमेंट्स को के इनवर्सेस को ढूंढना आसान हो। यू ऑफ 9 में क्या होता है जी, यू ऑफ एन जो ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं, अगर आप नहीं भूले तो यू ऑफ एन में क्या होते हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो एन से छोटे होते हैं और जिनका एन के साथ जीसीडी क्या हो, 1 हो। तो अब n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका 9 के साथ जीसीडी 1 हो। तो अब देखिए जी सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1, उसके बाद 2, 3 का 9 के साथ जीसीडी 3 है वो नहीं आ सकता, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 भी नहीं आ सकता उसका 9 के साथ जीसीडी 3 है, उसके बाद 7 एंड 8, ये है जी आपका u ऑफ 9, ये इसके एलिमेंट्स हैं। आपने क्या करना है जी, आपने 2, 7 एंड 8 का इनवर्स ढूंढना है। अच्छा इनवर्स ढूंढने से पहले इसका ऑपरेशन देख, आपको याद होना चाहिए जी इस सेट इस ग्रुप का ऑपरेशन कौन सा था, यू ऑफ एन का ऑपरेशन होता है मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन एन। उसका क्या मतलब है जी, आपने दो एलिमेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है यू ऑफ एन में, आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं यू ऑफ एन में से, आपने उनको ऑर्डिनरी वे से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है आपने उसको एन से डिवाइड भी करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो आपने लिखना है। सबसे पहले तो 8 के इनवर्स की बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा किया, हमने कहा जी जब भी n 2 से बड़ा होगा तो u ऑफ n में n माइनस 1 सेल्फ इनवर्स होगा। व्हेन n इज ग्रेटर देन 2, जब भी आपका n 2 से बड़ा होगा तो n माइनस 1 इज सेल्फ इनवर्स। ये बातें हमने चेक भी की थी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, हमने ये कहा था कि जब n 2 से बड़ा होगा तो u ऑफ n में n माइनस 1 का इनवर्स n माइनस 1 ही होगा। सो अब यहां पे n आपका 9 है तो n माइनस 1 तो आपका 8 बना, इसका मतलब 8 का इनवर्स तो 8 ही है, तो आप इससे भी कह सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हैं। अब बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं 2 और 7 उनके लिए तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है तो हम उसको बाय डेफिनेशन ही चेक करेंगे। तो कैसे करते हैं चेक जी, सबसे पहले 2 को हमने देखना है कि 2 का इनवर्स क्या है, तो 2 को बारी बारी ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं जी कि 2 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी जो इस ग्रुप की है वो क्या है, 1 है। तो आइए देखते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमें क्योंकि वो आइडेंटिटी है, ट्रू एलिमेंट वापस ही आएगा। 2 को 4 से करेंगे, अब जब 2 को 4 से करते हैं तो आ गया 8, 1 तो नहीं आया, इसका मतलब है 2 का इनवर्स 4 नहीं है। आप 2 को 5 से करें जी, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया, लेकिन 10 तो हमारे सेट में ही नहीं है। हमारे सेट में क्या है,
1, 2, 4, 5, 7, 8 और जो इस ग्रुप का ऑपरेशन है मॉडलो मल्टीप्लीकेशन एन, उसके मुताबिक जब भी आपका प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट टर्म आ रही है इन एलिमेंट्स की, जब भी वो 9 से बड़ी होगी तो आपने 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो अब 10 आ रहा है तो 10 को 9 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 2 के लिए आपको एक एलिमेंट 5 मिल रहा है जी, जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो यानी 2 का इनवर्स फिर क्या होगा 5 होगा। इसका मतलब है 2 का इनवर्स क्या है 5 है। तो अब 7 के इनवर्स के लिए हम देखेंगे, अब 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 14 आया, 14 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो 5 आ जाता है, आइडेंटिटी तो नहीं आ रही। 4 से करेंगे जी 7, 4, 28 को 9 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास रिमाइंडर 1। तो देखिए एज 7.4 इज इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब है जी 7 का इनवर्स क्या है 4 है। 8 का इनवर्स हमने पहले ढूंढ लिया हुआ है, 8 सेल्फ इनवर्स होगा जी 8.8 64 बन जाएगा, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है 8 का इनवर्स क्या है 8 ही है। 8 के इनवर्स की बात आप यहां से भी कर सकते हैं और आप बाय डेफिनेशन भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं।